हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइव टेक्नो हेल्प में। दोस्तों आज हम ORG 2023 के हर एक सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों तो समय ना गंवाते हुए पहले स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं सबसे पहली सेटिंग। दोस्तों क्या करना है, जैसे आप पियानो को डाउनलोड करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे बटन पे C5 D5 E5 या 5G5 जो ये लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं लिखा रहता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, आपके फ़ोन में ये नहीं होगा, इसको आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा एक कीबोर्ड का ऑप्शन, दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कैसे खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स बताने वाले हैं इसके अंदर, इसी कीबोर्ड के अंदर। तो पहले हम यहाँ पर की पर कैसे लिखें, CDE को कैसे लिखें, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट की है, यहाँ पर काउंट ऑफ की है दोस्तों, सारे फंक्शन हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे बता देते हैं, एक है क्लेवियर कैप्शन का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर क्लेवियर कैप्शन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको देखे ध्यान से। और यहाँ पर एक और ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है CDE, क्योंकि मैंने CDE सेट करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर CDE लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके फ़ोन में ये ऑफ रहता है दोस्तों, आपके फ़ोन में ये ऑफ रहता है। ठीक है, आपके फ़ोन में ये ऑफ रहेगा। आपको जब CDE अगर आपके कीबोर्ड पर अगर रखना हो तो आपको इस पर क्लिक करना है सेकेंड नंबर पर। और अगर आपको डोरी में जो है अगर इसको रखना है वाइट की पर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों हमको CDE पर क्लिक करना है, तो इसे इस पर हम कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक करना है। जैसे आप बैक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको क्लेवर क्वालिटी का ऑप्शन एक मिलेगा, आप क्लेवर क्वालिटी का ऑप्शन एक मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आपको लो एंड ब्रेकर में फास्ट मीडियम हाई स्लो ऐसे आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर बाइक जब आएंगे, यहाँ पर जब बाइक आएंगे तो देखिए यहाँ पर हाई एंड स्लो ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों। समझ लिए, आपका ये सेट हो जाएगा। ठीक है, पहली सेटिंग हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके इसे ऊपर से फिर से देखना है, यहाँ पर काउंट ऑफ की है। काउंट ऑफ की क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पर है काउंट ऑफ की पर क्लिक करेंगे तो दो ऑक्टवेस, और मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर दो ऑक्टवेस यानी कि एक ऑक्टवेस में 7 की होते हैं और दो ऑक्टवेस में 14 की होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर इतना क्लिक करें दोस्तों, आपको जितने भी बटन की ज़रूरत है, जैसे मान लो आपको हम 17 बटन की ज़रूरत है, 18 बटन की ज़रूरत है, 16 बटन की ज़रूरत है, 15 बटन की ज़रूरत है दोस्तों, आप उतना कर सकते हैं। यहाँ पर से आगे पीछे करेंगे दोस्तों, टोटली आप 32 की अगर पूरा कर देते हैं, उसके बाद हम बैक करके आपको दिखाते हैं कि बैक करते हैं तो कैसा दिखता है। तो दोस्तों 32 की कर दें तो पूरा ऐसा दिख गया दोस्तों। वहीं पर अगर हम फिर से अगर जाते हैं और यहाँ पर 32 की हटा के यहाँ पर अगर हम देखें 7 की करते हैं एक ऑक्टोबेस, तो यहाँ पर देखें आप कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा दिख गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको दो ऑक्टोबेस चाहिए क्योंकि दो ऑक्टोबेस पे अधिकतर बजाते हैं। तो दोस्तों आप अपने जरूरत के अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम अधिकतर दो ऑक्टोबेस पर 14 की पर बजाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ऐसा शो हो रहा है। तो चलिए अगले सेटिंग्स के बारे में हम बता रहे हैं दोस्तों। अगले देखिए स्टार्ट सी दोस्तों, ये क्या है इसको समझिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए खोलेंगे तो यहाँ पर CDEFGAV, ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर सी से क्लिक हुआ है ना, तो यहाँ पर जब सी से क्लिक हुआ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर सी से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर सी से स्टार्ट होगा की, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम यहाँ पर अगर देखिए, अगर हम इसको सी नहीं अगर डी कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब डी कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए डी से स्टार्ट हो गया ना। देखिए यहाँ पर ये डी से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये डी हो गया। अगर यहीं पर हम देखिए दोस्तों, अगर हम इसको कर देते हैं, अगर हम ए से कर दिए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए से हम कर दिए। ये क्यों होता है इसका भी आप मतलब समझ लो। ये ऐसे मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी सॉन्ग को अगर हम बजाते हैं, किसी सॉन्ग को प्ले करते हैं, हमको सिर्फ यहाँ पर बी की ज़रूरत है, बाकी इधर की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। इस मतलब ऑक्टोबेस में, मतलब ये इतने ऑक्टोबेस में इधर की ज़रूरत है बी की, बाकी इधर की ज़रूरत है, आगे इधर की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम इतना सेट कर लेते हैं और उसको हमको दोस्तों और पिछले अगर ज़रूरत है तो हम उसी हिसाब से हम जितने की की ज़रूरत होते हैं हम उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको सी से कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सी से रहेगा, ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से आप सेटिंग में अगर आ जाएंगे, कीबोर्ड का ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए सो, यहाँ पर सो लिखा है नीचे, सो प्रेस्ड की, यहाँ पर इसको आपको टिक नहीं रहता है दोस्तों, आपको इस पर टिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, आपको इस पर टिक कर देना है, ठीक है।
पर टिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर टिक कर देंगे, इससे क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर की को प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर की प्रेस की है ना, तो देखिए यहाँ पर काला हो जा रहा है ना प्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगली सेटिंग्स बारे में हम बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा ब्लैक एरिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर बॉक्स करके दिखा रहे हैं, आप यहाँ फोकस करें इस पर। यहाँ पर ब्लैक एरिया लिखा है, डोंट प्रेस व्हाइट की इन ब्लैक एरिया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम समझिए आप, जैसे हम बैक करते हैं, ठीक है, जैसे बैक करते हैं, जैसे हम अगर व्हाइट की अगर हम जैसे अगर हम प्रेस करते हैं, जब हम बजाते वक्त जब हमें व्हाइट की प्रेस करते हैं तो यहाँ तक तो हाँ व्हाइट की बजेगा, लेकिन अगर जैसे अगर कुछ सेटिंग नहीं किए हैं तो क्या होगा कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे या इस एरिया पे टच होगा हाथ, तब भी आपको व्हाइट की बजेगा, तब भी ये एरिया इधर बजेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप C6 दाबें, ठीक है, तो C6 दाबें आप, तो यहाँ भी बजेगा, ठीक है, यहाँ भी बजेगा दोस्तों। जैसे ही आप C6 दाबें तो यहाँ भी बजेगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर अगर क्लिक कर दिए मान लो, तो यहाँ पर भी बजेगा वही सेम बटन, ठीक है, यहाँ भी बजेगा और वहाँ भी बजेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बजेगा और यहाँ भी बजेगा, लेकिन जब उसको इस सेटिंग्स को जैसे यहाँ पर टिक मार देंगे तब क्या होगा, तब ये होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा तब कि देखिए यहाँ पर जैसे मतलब आपको C6 आप दाबना है, C6 सिर्फ यहीं तक दबेगा, ठीक है, C6 आपको सिर्फ यहीं तक देगा, ठीक है, उसके बाद बाकी के एरिया जो है दोस्तों, यहाँ पर बाकी के जो एरिया हैं यहाँ पर, इस पर नहीं दबेगा, ठीक है, इस पर ये किस प्रेस नहीं होंगे। क्या इससे फ़ायदा होता है, यहाँ पर जो ब्लैक की होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो ब्लैक की हैं इस पर यहाँ पर प्रेस होंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रेस होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेस होंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रेस होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा। नहीं तो आपको जब मतलब आप बिगनर हैं, जब नए नए होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे आप ब्लैक की दाबेंगे, मान लीजिए ठीक है आपने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, लेकिन गलती से आपका यहाँ पर टच हो गया, तो क्या होगा कि C6 दब जाएगा, ठीक है, ये दब जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप ब्लैक की दाबेंगे तो ब्लैक की यहाँ दबेगा, लेकिन अगर अगर साइड में इधर टच हो गया तो नहीं दबेगा, मतलब दबेगा लेकिन कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा दब रहा है बटन, ठीक है। तो ये हो गया सेटिंग्स, यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ पर दाबें दब गया ना, यहाँ पर दाबें नहीं दब रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दब रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लैक की साइज आता है, अगले सेटिंग्स की आ जाती है यहाँ पर ब्लैक की साइज, ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लैक की साइज है, यहाँ पर लॉन्ग पर हमने इस पर क्लिक किया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉन्ग लिखा हुआ है, इस पर लॉन्ग पर क्लिक किया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पर देखिए हाफ है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट अगर कर देंगे तो आप यहाँ पर देखिए इतना छोटा हो गया, ठीक है। अब अगर इसको आप बढ़ना करना चाहते हैं तो उसको आप क्लिपबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए साइज पर जाएंगे, इसको बाद शॉर्ट हाफ पे कर देंगे तो आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग पर रखना है, क्योंकि बजाने में अधिकतर की ब्लैक की का ही यूज होता है, इसलिए हमको यहाँ पर लॉन्ग कर देना है, ठीक है, यहाँ पर हम तो इसको लॉन्ग करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है, दोस्तों यहाँ पर एक बॉल आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, इस बॉल का क्या यूज है, ठीक है, यहाँ पर इस बॉल का क्या यूज है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस बॉल का जैसे भी देखिए हम अगर की को प्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे हम की को प्रेस करते हैं, इसे मतलब ये वहाँ पर की प्रेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर की पर प्रेस किए, हम आवाज को एक अलग अंदाज में दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखिए, देखिए ना यहाँ पर जैसे आप की को, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको खुद समझिएगा, जैसे पहले की को प्रेस करिएगा एक हाथ से, दूसरे हाथ से इसको आगे पीछे करिएगा, उसके बाद आप इसका मतलब समझ जाएंगे, मतलब क्या होता है आवाज को थोड़ा मतलब अपने हिसाब से जब सीख जाएंगे मतलब ना तब इसका मतलब समझेंगे, क्योंकि यह देखिए ठीक है दोस्तों यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगली सेटिंग्स आती है, ठीक है, यहाँ पर अगली सेटिंग्स क्या आती है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम की जो है, आप इसको तो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं इनकी क्या सेटिंग्स है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनकी सेटिंग्स क्या है, जैसे मतलब आप जब इसको बैलेंस है ना यहाँ पर, इसको जैसे आप यहाँ पर रिदम बजा देंगे, ये देखिए एकदम यहाँ पर आवाज फुल है, उसके बाद आपको इसको धीम कर देंगे तो यहाँ पर रिदम जो बज रहा है ये धीम हो जाएगा, आप अपने रिदम को जैसे ठीक है
इसके साथ अगर आप रिदम बजाना चाहते हैं तो इसको हल्का तेज करेंगे, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम बैलेंस ये हो गया, इसको आप इस पर सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। दोस्तों उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला है, यहाँ तो इसका हमने बता दिया, ठीक है, यहाँ पर इसका बता दिया कि ये क्या होता है, ये जो है ये मतलब एक तरफ अगर घुमाएंगे तो यहाँ पर ये जो है रिदम जो बज रहा है, म्यूजिक जो बजता है उसका हो गया, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो दूसरा ऊपर है इसको घुमाएंगे तो आपकी सारी वॉल्यूम यानी रिदम और कीबोर्ड जो प्रेस करेंगे, ये सारे वॉल्यूम जो यहाँ पर प्रेस करेंगे जो ये बज रहे हैं यहाँ पर भी सारे कुछ मतलब धीम हो जाएंगे अगर इससे आप बंद करेंगे। यहाँ पर देखिए हम धीम किए हैं इसलिए बंद है, ठीक है, इसको हम थोड़ा तेज करते हैं तो ये तेज हो गया, ठीक है, इसको हम कर देते हैं उसके बाद बंद। दोस्तों यहाँ पर इसके बटन देखिए, यहाँ पर जैसे ये बटन से इसको क्या करते हैं, आपका रिदम जो होता है रिदम इसको ऑन ऑफ करते हैं, जैसे हम आप इसको प्रेस करेंगे बजेगा, फिर बंद प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगली सेटिंग से, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हैं, रिदम हर चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला है ब्रेक का, ब्रेक का ऑप्शन ये है, देखिए यहां पर है, देखिए यहां पर ब्रेक ये क्या होता है, जैसे आप इसको बजा दिए ना, देखिए यहां पर बज रहा है, ठीक है दोस्तों, बजाते बजाते जैसे आप बजाएं, आप यहाँ पर देखें समझ है, जैसे मतलब आप इसको बजा रहे हैं, आपको बजा के जब आप स्टॉप करते हैं तो उसको बाद आपको ब्रेक करना है, देखिए ब्रेक करना है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे ब्रेक वाले ऑप्शन पे, देखिए तो कैसे रुके, देखो हम क्लिक करते हैं, देखिए कैसे ब्रेक हो गया, मतलब ये बंद नहीं होगा, एक सेकेंड के लिए बंद होगा, देखिए यहाँ पर ब्रेक फिर चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सेटिंग आता है, जैसे यहाँ पर देखिए यह एंडिंग, एंडिंग एक दो तीन है, इस पर एंडिंग मतलब ये होता है कि जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर रिदम को बजा रहे हैं, ठीक है, बज रहा है यहाँ पर, तो आपको इसको जब आप मतलब बजा के आपको आपको रखना है, मतलब म्यूजिक समाप्त हो गया है, लास्ट में आपको बंद करना है, तो एकाएक बंद ऐसे चल रहा है, कैसे बंद करेंगे अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये स्टॉप यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, देखिए कैसे एंडिंग हुई ना, अब यहाँ पर ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो पर क्लिक कर देंगे, ऐसे बंद हुआ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे अगर अगर ये दो पर लाइट जल रही होगी तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा, ठीक है, इसको आप जब यहाँ से ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑन नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ब्रेक करने जब तक नहीं रहेगा तब तक ये ऑन नहीं होगा, इसको आप इस क्लिक ऑन करना, ठीक है, फिर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दाबेंगे, देखते हैं आप कैसा रुकता है, देखिए ऐसे रिदम बजता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर इतने सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिल का ऑप्शन है, एक फिल का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप रिदम को प्ले करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे बज रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम दो पर क्लिक कर दें, एक पर क्लिक करेंगे तो देखिए, एक पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा मतलब क्या होगा, कुछ सिग्नल चेंज होगा, जैसे हम अगर हम ऑक्टेव चेंज करते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा म्यूजिक थोड़ा सा, इस पर क्लिक करें तो एक दो सेकंड के लिए चेंज होगा, इस पर अलग, इस पर अलग, हम सब पर बारी बारी से क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पहला की दूसरे पर क्लिक कर रहे हैं, अब हम दूसरे पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अब तीसरे पर हम क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा हुआ, अब हम चौथे पर क्लिक करके देख रहे हैं इसका कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला सेटिंग्स आता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ये वेरिएंट का, ये कैसा है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है, इसे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, फिल है,
अभी तक हमने बताया कि यहाँ पर ये चार ऑप्शन है, ये भी चार ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों ये जो यहाँ पर क्या है ये कुछ सेकंड के लिए अलाउ होता है। यहाँ पर जैसे आप इसको प्रेस कर देंगे बीच बीच में तो ये कुछ सेकंड के लिए अलाउ होता है, मतलब म्यूजिक चेंज होती है, मतलब एक दो तीन सेकंड के लिए। लेकिन ये जो यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर जो ये चार ऑप्शन है इसमें क्या होता है, आप जिस पर क्लिक करेंगे, मान लें चलो आप यहाँ पर क्लिक कर दिए, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पर क्लिक कर दिए तो क्या होगा कि ये ऐसी म्यूजिक बज रही रहेगी, मतलब म्यूजिक चल रही होगी। उसके बाद अगर मान लो बीच में बजाते बजाते म्यूजिक को इस पर क्लिक कर दिए तो दोस्तों म्यूजिक चेंज हो जाएगी, और जब तक चलेगी म्यूजिक तब तक ये म्यूजिक चेंज रहेगी इस सारे ऑप्शन पर, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया उसका। दोस्तों यहाँ पर आ गया है इंट्रो का ऑप्शन, एक है इंट्रो का, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंट्रो क्या होता है, यहाँ पर इंट्रो है, ठीक है, यहाँ पर इंट्रो। इस पर क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में जब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग पर क्लिक करेंगे तो म्यूजिक स्टार्ट होने से पहले, रिदम स्टार्ट होने से पहले आपका अलग अलग तरीके से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये हर रिदम पर नहीं काम करता है, जैसे यहाँ पर हम दूसरा रिदम अगर सेट कर देंगे तब ये काम हो सकता है, करें हर रिदम पर नहीं काम करता है, ठीक है। जैसे हर रिदम पर लाइट बंद रहती है, किसी किसी पर ऑन रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑन हो गया, ठीक है, देखे ना कैसे हो रहा है, जिसे यहाँ पर फिर चलते रहें, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें दूसरे पर, इस पर स्टार्ट, इस पर दो ऑप्शन खुला हुआ है, देखिए कैसे यहाँ पर, देखिए हम दो पर जब क्लिक करें कितना स्लो मोशन से उठ के म्यूजिक ऊपर आ रहा है, देखिए यहाँ पर हम दो पर क्लिक करके देखते हैं, दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन सारे बटन से आपका फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे इन सारे बटन्स का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको हम अगला बटन बताते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड सेट का, ठीक है। यहाँ पर कीबोर्ड सेट का होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक फंक्शन है, ये दो है, तीन है, चार है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये म्यूजिक है ना, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है। आप यहाँ पर चारों यहाँ पर आस पास सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप दो तीन चार, जैसे क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पर एक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आ गया, देखिए यहाँ पर एक पर क्लिक, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर चेंज आ गया, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है, सेट कर दिए तो हो गया। उसके बाद दो पर इसे क्लिक करेंगे, इसे कुछ देर प्रेस रखे रहेंगे तो चेंज ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे दो पर सेट हो गया। देखिए अब यहाँ पर जब हम बजाएंगे, देखिए यहाँ इसे बज रहा है, अब दो पर क्लिक करेंगे, तीन पर करेंगे, चार पर करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इतना ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन सेटिंग्स जो है दोस्तों यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिए है ऑक्टोबेस, ये क्या होता है, यहाँ पर ऑक्टोबेस क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जीरो रहता है। जीरो मतलब क्या है कि हर ऑक्टोबेस में, देखिए इतना बटन्स होते हैं, एक ऑक्टोबेस में इतना बटन्स हैं, ठीक है, ठीक, अगले ऑक्टोबेस में इतना बटन्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर आप हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ ऑक्टोबेस एक है, ठीक है, ऑक्टोबेस जो है यहाँ पर, यहाँ ऑक्टोबेस जो है हम क्या है, जीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जब जीरो रहेगा तो जो यहाँ पर फंक्शन रहेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, बटन भागते हैं, जैसे यहाँ पर हम जब ऑक्टोबेस जीरो है तो मान लीजिए यहाँ पर जो बटन से यहाँ पर है, ठीक है, और जब यहाँ पर ऑक्टोबेस अगर हम वन कर देंगे तो जो मतलब क्या होगा कि यहाँ की बटन्स हैं, यहाँ वाली बटन्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ वाली बटन्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर काम कर रही थी जो ट्यून, मतलब वो यहाँ पर काम करने लगेंगे। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर अगर हम तीन पर क्लिक कर दो पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जो यहाँ पर इसके आगे वाली बटन है दोस्तों, इसके आगे वाली, ठीक है, जो इसके भी आगे वाली बटन्स है वो जो है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली बटन्स, मतलब जो ओ वाली बटन्स है वो उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, मतलब समझ रहे हैं आप ना। रुको इसको हम क्लियर में आपको समझाते हैं, देखिए इसका काम क्या होता है, जिससे हम यहाँ पर हम की पर गए और आल की कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऑक्टोबेस यही होता है कि जैसे हम यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बटन हैं, हमको बजाने में बहुत दिक्कत होगी।
इसलिए हम बटन को कम रखते हैं। लेकिन जैसे ऑक्टोबेस हम यहाँ पर एक है ना जीरो है, ऑक्टोबेस जीरो है, जैसे मान लीजिए एक ऑक्टोबेस है, जीरो ऑक्टोबेस पे ये बटन इतना है, ठीक है, जीरो ऑक्टोबेस पे इतना बटन है। उसके बाद दोस्तों अगर ऑक्टोबेस हम यहाँ पर अगर हम दो कर देते रहें तो जो ये वाली बटन्स है ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाली बटन्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये वाली बटन्स यहाँ पर आ गए। अब हम ऑक्टोबेस अगर हम टू कर देते हैं तो जो यहाँ वाली बटन्स है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ वाली बटन्स यहाँ आ जाएंगी। और वहीं पर ऑक्टोबेस हम अगर थ्री कर देते हैं तो यहाँ वाली बटन्स जो होती हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और ऑक्टोबेस अगर हम फोर कर देते हैं दोस्तों तो यहाँ वाली बटन्स जो है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वहीं पर ऑक्टोबेस फाइव कर देते हैं दोस्तों तो यहाँ वाली बटन जो उसके आगे वाली है यहाँ पर आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम प्लस प्लस मगर करेंगे तो यहाँ पर यहाँ की बटन से यहाँ पर आएंगी, और वहीं पर अगर हम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री करेंगे तो इस साइड की बटन से यहाँ आएंगी, इस साइड की बटन यहाँ पर आएंगी, थ्री माइनस। बहुत ही जरूरी और खास सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों इस सेटिंग के बारे में दोस्तों आपको नहीं पता होगा। दोस्तों ये सेटिंग क्या होती है हम आपको समझाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो है ऑक्टोबेस होते हैं, यहां पर पियानो डीएनसी जब सिलेक्ट है तो ये बज रहा है, ठीक है। और यहीं पर अगर नीचे अगर सेट हो रहा है, यहां इस पर अगर हम क्लिक कर दे रहे हैं तो ये बज रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये बज रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हमको अगर ये तीनों सेट करना है एक साथ में, देखिए जैसे मान लीजिए ये भी या फिर दोनों सेट करना है, या ये तीनों करना है, या फिर चारों फिर करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे क्या होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पर अलग अलग हो जाएगा ना। लेकिन तो दोस्तों आपको क्या करना है, स्प्लिट मिक्स का यहाँ पर ऑप्शन है, स्प्लिट मिक्स का, ठीक है, स्प्लिट मिक्स होता है, उस पर दोस्तों क्या करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिए स्प्लिट यहाँ पर ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्प्लिट में हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो सेटिंग है, एक बटन में दो है, एक स्प्लिट है एक मिक्स है। स्प्लिट पर क्लिक किए हैं तो क्या हुआ कि जो दो की है ना, दो की तो आधा इधर बज रहा होगा और जो अगला की है दोस्तों यहाँ पर इधर है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये की जो है यहाँ पर बज रही है और एक की यहाँ पर बज रही है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना कि आप, इस बटन इस ऑक्टोबेस वाला यहाँ पर बज रहा है, इस ऑक्टोबेस वाला यहाँ पर बज रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर स्प्लिट पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिक्स का ऑप्शन हो गया, देखिए यहाँ पर जब वो मिक्स का ऑप्शन हो गया दोस्तों, अब यहाँ क्या करेंगे देखिए, अब दोनों ऑक्टोबेस साथ बज रहे हैं, यहाँ पर तीन कर देंगे, चारों कर देंगे अगर, यहाँ पर हम वाली देख कर कोई ऑक्टोबेस चेंज कर देते हैं, देखिए चार ऑक्टोबेस एक साथ बज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंगल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे सेटिंग्स हो गए हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और अगला सेटिंग आता है, देखिए यहाँ पर टैप का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जैसे आप टैप का क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे आप टैप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने सारे फंक्शंस और खुल जाते हैं, देखिए यहाँ पर खुल जाते हैं, इस पर आप क्या करो, देखिए यहाँ पर जैसे आप इसको यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अलग अलग आवाज़ देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर ऑक्टोबेस चेंज कर रहे थे हम, यहाँ पर देखिए दाब करके बटन को, ये वही चीज़ यहाँ पर आ गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऑक्टोबेस पर क्लिक है जीरो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्टोबेस यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए चार तीन एक दो, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये शो हो रहा है कि आपके सामने कितना ऑक्टोबेस है, यहाँ पर दो ऑक्टोबेस है, एक ये वाला है दोस्तों, आधा ऑक्टोबेस यहाँ पर है आधा इधर है, ठीक है, यहाँ पर आधा ऑक्टोबेस इधर है आधा इधर है, ठीक है, इधर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ऑक्टोबेस चार है, यानी कि जो है यहाँ पर देखिए तीन ऑक्टोबेस है और यहाँ पर चार है। वहीं पर अगर इधर क्लिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पर छः आ गया, यानी कि इधर पाँच है और इधर पाँच है और इधर छः है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्लिक करेंगे
यहाँ पर तो देखिए कैसे आवाज आती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर तो ये पानी की तरह आवाज आता है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करें वहीं पर फिर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यह नहीं पता रहा होगा, आप इसको देखिए यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इसको फिर से अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ टैप पर क्लिक करना है, ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और आता दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला सेटिंग आता है यहाँ पर, देखिए रिसेट फेड इन आउट का, फेड इन आउट का दोस्तों ये सेटिंग क्या होता है, यहाँ पर देखिए जब आप लाइट क्लिक करेंगे तो लाइट जल जाएगी, ये अगर इन हो गया दोस्तों इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी जैसे अगर आप बजाते हैं, जब भी आप की को प्रेस करेंगे तो पहले स्लो मोशन से होता हुआ जिसे मतलब ऊपर तक आएगा। देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, आप हमारे फिंगर को देखिएगा, बटन्स को देखिएगा, यहाँ पर जब तो देखिए यहाँ पर अभी एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं ना, लेकिन जब इसको ऑन कर देंगे दोस्तों ये कुछ ही सेकंड तक ऑन रहता है, इसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसे ऑन कर देंगे, लाइट जल गई, अब देखिए ठीक है दोस्तों ये हो गया। ठीक है, उसका दोस्तों यहाँ पर अगला आता है ये वॉल किसका काम आता है दोस्तों, इस टेम्पो रिसोर्ट करना है, टेम्पो जैसे दोस्तों यहाँ पर टेम्पो क्या हर चीज़ ऊपर नीचे करने के लिए होता है, टेम्पो का बटन ये मान लीजिए हो गया, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिदम होता है, रिदम जिससे होता है ना दोस्तों, यहाँ पर इसे ये बता दिए, अब ये क्या होता है ये बटन देखिए, जब इसको हम घुमाएंगे, ठीक है जब इसको हम घुमाएंगे ये रिदम कम ज़्यादा होगा। नंबर ज्यादा रहेगा उतना स्पीड में बजेगा रिदम, जितना कम रहेगा ठीक है रिदम की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए होता है, इसको टेम्पो बोलते हैं। रिसेट करना चाहते हैं दोस्तों तो यहां पर रिसेट का ऑप्शन है, यहां पर क्लिक कर देंगे रिसेट हो जाएगा। फिर ठीक है दोस्तों, आपको इसको समझ में आ जाएगा, दोस्त समझ गए होंगे ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए है डीएनसी का ऑप्शन, ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ 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 टोन्स में डीएनसी होते हैं, जैसे ये टोन्स में एक डीएनसी का लाइट खुला है, इसमें तीनों खुला है, जिसे मान लीजिए ठीक है अगर यहाँ पर वन पर अगर क्लिक कर देते हैं वन पे, तब देखिए आवाज कैसी आती है, वहीं पर अगर टू पर क्लिक कर देते हैं टू पर, तब देखिए वहीं पर अगर आप थीन थ्री पर क्लिक करते हैं तब देखिए, ठीक है थ्री पर क्लिक करते हैं जो थोड़े बहुत चेंजिंग आती है, जैसे यहां पर क्लिक किए ठीक है थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। ठीक है, आप उसको ध्यान समझेंगे तब समझेंगे। ठीक है तो दोस्तों, इसमें हम बहुत सारी सेटिंग बताए हैं, फिर भी बहुत सी सेटिंग अभी बाकी हैं दोस्तों, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में पार्ट टू में हम उसको लाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे दोस्तों। तो चैनल को हमारे अगर सब्सक्राइब करके रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो, और ऐसी ऐसी सेटिंग्स हम बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर तो नॉर्मली सेटिंग्स हैं, इससे भी हार्ड हार्ड सेटिंग है जो कि आपको पता भी नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारी इधर सेटिंग है इधर सेटिंग है इधर दोस्तों, मैंने बहुत सारी सेटिंग अभी छोड़ी हुई है नहीं बताई हुई है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है दोस्तों, पार्ट टू में इसको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो तनी सा भी अगर पसंद आया हो तो दोस्तों आप प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो थोड़ा सा वीडियो बनाने का ना उत्साह होता है अंदर से, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे देखेंगे नहीं यार, तो अंदर से भी ना बनाने का मन नहीं होता है वीडियो, तो इसलिए अगर आप चैनल को इस वीडियो को इतना प्यार दुलार दो यार कि मतलब क्या बताएं कि धमाल मचा दो मैं सोच, तो दोस्तों आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी सेटिंग आपको पसंद आई है, कमेंट करना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करते हैं तो
और ज़्यादा हमको अच्छा लगता है देखने में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो चलते चलिए हम वीडियो को अब इसी तरह हम एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर हम मिलते हैं। तो तब तक लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।